नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है करंट अफेयर्स के अप्रोच को जो है समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाओं में उसके अलग अलग स्तर में जो है आज के समय में समसामयिक घटनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसी स्थिति में एक बेहतर अप्रोच का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम परीक्षा के सभी चरणों के साथ साथ महत्वपूर्ण जो है समसामयिक घटनाओं को जो है कवर करने में सफल हों। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी हाल में ही UP SSC का एग्जाम जो है अभी संपन्न हुआ है, जिसके बाद से जो है अभ्यर्थियों के द्वारा जो मैसेज आए हैं, मेल आए हैं, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि हम लोग एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर इसी पर जो है बनाते हैं, क्योंकि आगे अक्टूबर में जो है PCS के एग्जाम जो है लगे हुए हैं और इसी के बाद जो है आगे और भी परीक्षाएं हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए एक बेहतर अप्रोच का होना आवश्यक है, ताकि हम उस अप्रोच के साथ हम समसामयिक विषयों पर जो है एक संस्कृति का विकास कर सकें। बेसिकली हम करंट अफेयर्स का तात्पर्य केवल तथ्यों का रटना नहीं, बल्कि समसामयिक विषयों के बारे में जो कि प्रगति है, जो भी विभिन्न देशों के बीच संबंध हैं, उनके संदर्भ में क्या आगे हम लोग संबंध को लेकर के प्रगति कर रहे हैं, उसके संदर्भ में एक अप्रोच का जो विकास होना आवश्यक है। और जब एक अप्रोच विकसित हो जाता है तो उससे जो है जुड़े हुए जो भी जो है प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, सभी जगहों पर हम लोग अच्छे तरीके से जो है कर पाते हैं। इवन कि इंटरव्यू में भी जो है अगर देखा जाए तो IR इत्यादि से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों के संदर्भ में एक बेहतर अप्रोच का होना करंट अफेयर्स के संदर्भ में जरूरी है, ताकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम है उससे हम लोग निपट सकें। तो देखिए, जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का अध्ययन करते हैं तो दो तरीके वहाँ पे होते हैं अध्ययन करने के, दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम लोग एग्जाम के आसपास जो है 6 मंथ आर जो है 1 ईयर का जो है जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, उसको हम रख लेते हैं एग्जाम के नजदीक आने पर। दूसरा हमारा जो है अप्रोच इस तरीके से होता है कि पिछले जो है एक साल में जो है हम लोग इस करंट अफेयर्स के संदर्भ में एक बेहतर अप्रोच के साथ जो है उसके बारे में, यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में समझ पैदा करें। तो हमारा टारगेट बेसिकली जो एक स्वस्थ जो उपागम है वो यही है कि हम जो है किसी एग्जाम को तैयार करने के लिए कम से कम पिछले एक साल से उस पर जो है बेहतर अप्रोच के साथ जो है उसके बारे में समझ पैदा करें। तो इससे क्या होता है, उस एग्जाम के संदर्भ में करंट अफेयर्स को लेकर के एक कल्चर बन जाता है हमारे दिमाग में। तो उससे मिले जुले या उससे जुड़े हुए या इनडायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं तो उसे हल करने में हम लोगों को जो है आसानी होती है, और हम अपनी समझ और संस्कृति के आधार पर उस सवाल का बहुत ही सहज ढंग से कम शब्दों में उत्तर लिखने में जो है सफल होते हैं। तो हमारा अप्रोच बेसिकली जो है पिछले एक साल में उस विषय या उस परीक्षा के संदर्भ में करंट अफेयर्स के लिए जो है एक अप्रोच का विकास करना होता है। अब इसके लिए हम ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक जो है न्यूज़पेपर हो गया, दूसरा हो गया एक न्यूज बुलेटिन, एक जो है न्यूज बुलेटिन हो गया, तीसरा हो गया मैगजीन, और चौथा हो गया वीकली इफेक्टिव। वीकली इफेक्टिव न्यूज कंपाइलेशन। तो हम लोग न्यूज़पेपर, न्यूज बुलेटिन, मैगजीन और वीकली जो है इफेक्टिव न्यूज़पेपर, न्यूज जो है कंपाइलेशन, ये वीकली की बात कहा गया है। और ये जो है ये चौथा पॉइंट, ये देखने में काफी कुछ चीजें आप लोगों को लग रही होंगी कि यहाँ पर कई पॉइंट हैं, कई बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा व्यापक चीज है। इसमें जो है सभी चीजों को अगर हम कंसाइज करेंगे तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो बेसिकली इन्हीं पहले, दूसरे और तीसरे में ही सम्मिलित है,
बस केवल हमने चौथे पॉइंट को इसलिए जो है यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है ताकि इसके बारे में एक स्वस्थ जो है अप्रोच हो और ये भी पॉइंट के रूप में आपके जो है पढ़ाई के कल्चर में आ जाए। तो बेसिकली जो है यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। एक न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो है राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटना, उसमें कई पेजेज होते हैं। हमें सब पेज नहीं, लोकल की न्यूज़ नहीं पढ़ना है। पेपर पढ़ने की भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि हमें लोकल की न्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता है। हमें क्या देखना है भाई, राष्ट्रीय घटना इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय घटना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक जो है पेज इंपॉर्टेंट है, खेल पेज भी आप देख सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण जो भी हमारे टूर्नामेंट हैं या जो महत्वपूर्ण खेल हैं उनके अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल है, जैसे कई बार खेल में भी बहुत ही क्षेत्रीय स्तर के खेल होते हैं तो वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि चार पांच पेज महत्वपूर्ण होते हैं, पहला पेज भी आप पढ़ें क्योंकि पहले पेज में जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ को, क्योंकि बहुत इफेक्टिव जो है न्यूज़ होता है उसको सम्मिलित किया जाता है। फिर इकोनॉमिक्स पेज हो गया, राष्ट्रीय पेज हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पेज हो गया और इसी तरीके से खेल का पेज हो गया। तो चार पांच पेज को आपको ध्यान में रखना होगा। न्यूज़पेपर में न्यूज़ बुलेटिन जो है आप इसमें न्यूज़ बुलेटिन में जो कोई एक न्यूज़ बुलेटिन पकड़ लीजिए और उसे आपको जो है सुनना है। आप जो है शाम का जो 8:45 का भी न्यूज़ आप देख सकते हैं, बीबीसी का एक पूरे दिन पर आधारित बीबीसी का एक न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो दोनों में से एक न्यूज़ आप पकड़ेंगे तो उसमें से भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो आपकी संपूर्ण पढ़ाई का एक पार्ट है, ना कि संपूर्ण पढ़ाई है कि उसी में हम आप 8 घंटा 10 घंटा समय दे जो है और अपना परंपरागत जो पढ़ाई है उसको हम छोड़ दें। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि हमें लिखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके जो पूरी पढ़ाई में जो है 1.5 से 2 घंटे में जो है सिमट जाएगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप केवल सिविल सर्विसेज के लिए फोकस हैं या वनडे टाइप के एग्जाम के लिए। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जो है फोकस्ड है तो आपको 2 घंटे जो है इस पर पढ़ाई करना चाहिए। वनडे टाइप की एग्जाम में है तो आप 1 घंटे में भी पढ़ाई कर सकते हैं। और वो जो है तीसरी न्यूज़ मैगजीन में हम देखेंगे, मैगजीन आपके लिए जो है 3 महत्वपूर्ण जो है मैगजीन, चाहे सिविल सर्विसेज टाइम CST हो सकता है, क्रॉनिकल हो गया और इसमें जो है दृष्टि की भी जो है मैगजीन जो आती है, वो तीनों में से कोई आप एक मैगजीन एक ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और अगर आप वनडे टाइप की एग्जाम में हैं तो क्रॉनिकल का समसामयिक जो है आप देखिए, वो क्रॉनिकल 2 तरीके के जो है मैगजीन को पब्लिश करता है। एक तो बहुत ही स्टैंडर्ड होती है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है और दूसरा वनडे टाइप के एग्जाम। तो अगर आप वनडे में हैं तो वनडे वाला पढ़िए, अदरवाइज अगर सिविल में है तो इन तीनों में से जो है सिविल सर्विसेज टाइम CST हो गया, दृष्टि का हो गया जो है एक मैगजीन और जो है क्रॉनिकल का हो गया। तो इन जो है इन तीनों में से जो है आप किसी एक को जो है आप कवर कर सकते हैं, इसके आधार पर जो है आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है मैगजीन के सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 बातें निकल के आती हैं, या तो आप सिविल सर्विसेज टाइम है, दृष्टि का जो है, या क्रॉनिकल का। यद्यप इसके अलावा अगर कोई और भी मैगजीन इस तरीके से है विभिन्न प्रकार की भाषाओं में जो कि सभी प्रकार के संदर्भों को, राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक्स, संवैधानिक, खेल को कवर करता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनमें से कोई एक पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो इफेक्टिव होगा। बाकी वनडे एग्जाम को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो इसमें क्रॉनिकल समसामयिक जो है पढ़ेंगे तो वो कुछ कम पेजेस की होती है और कम समय में उसको कवर करना संभव होगा तो वनडे एग्जाम के लिए। और ये चौथा जो पॉइंट हमने जो है ये लिखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीकली इफेक्टिव न्यूज कंपाइलेशन यहाँ पे जो है कंपाइलेशन आपको जो है करना होगा। तो कंपाइलेशन का मतलब हो गया संग्रहण या उसको जो है कहीं संग्रहित करना। तो इसमें क्या है, आप जो भी ये न्यूज़पेपर और न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं हफ्ते में सप्ताह में केवल एक न्यूज आपको हल करना है। इस तरीके से सप्ताह में केवल एक न्यूज अगर आप कवर करते हैं तो आप ये समझिए पिछले एक साल के अंतर्गत जो है आप 52 से 53 या 54 ऐसे जो है विषयों पर आप अपने जो है समझ विकसित करेंगे जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और इस पर आप जो है इंटरकनेक्टेड अप्रोच अपनाएंगे। जैसे उसके बारे में वो क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू में। और इसे आप क्या करेंगे 10 से 15 मिनट में आप उसको लिख लेंगे, जो भी आपको लगेगा पिछले एक हफ्ते में प्रभावी न्यूज है।
या जो आपको न्यूज़पेपर या बुलेटिन से आपको प्राप्त होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको मेंस के स्तर पे भी लिखने की क्षमता का विकास होगा, या प्री में भी अगर दे रहे हैं तो कभी कभी प्री में क्या होता है कि वहां पे 3 से 4 वाक्य किसी एक ही घटना से विषय से पूछता है, तो आप वहां पे कूट या आपको जो है वहां से संबंधित सभी वाक्यों के आधार पर उत्तर के लिए निष्कर्ष निकालना आसान होगा। तो इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो हफ्ते में आपको 15-20 मिनट का समय इसके देना होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपके पास समसामयिक जो है घटनाओं के लिए एक स्वस्थ और अप्रोच का विकास होगा, इससे एक बेहतर संस्कृति का विकास होगा, जिससे आप एग्जाम में अपने आप को बहुत सहज पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आज की डेट में अगर कहीं पे भी 150 क्वेश्चन के अगर पेपर हो रहे हैं, अगर सिविल सर्विसेज को देखा जाए तो स्पेशली कि 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो आधारित है, इसलिए हमें इसके लिए एक बेहतर रणनीति और अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली ये जो दृष्टिकोण है वो निश्चित तौर पर आपको एक व्यापक आधार प्रदान करेगा। तो ये चीजें जो है आपको 4 पॉइंट में हो गई। अब यहां पे एक और जो है पॉइंट आता है, समय, कि कितना समय जो है पढ़ना चाहिए। देखिए, समय का पढ़ना आपके इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि 150 क्वेश्चन अगर आपके प्री में होते हैं तो वहां 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होने की संभावना होती है, और 30 से प्लस तो हर बार परीक्षा में। अगर आप पिछले 8 से 10 साल के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। तो आपके लिए जो है यहाँ पे समय की जब बात है तो 2 घंटे के आसपास इसकी पढ़ाई करें, क्योंकि आपको इसके साथ साथ परंपरागत चीजों का भी अध्ययन करना होगा। बाकी आप अगर 1 डे टाइप की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर अगर 1 घंटे भी टच में रहते हैं तो भी आपके लिए ये जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बशर्ते कि इसमें जो है एक निरंतरता कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो ये समय की बात हो गई। अब इसका कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए कहां कहां पर इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में तो ये पूछा ही पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में ये पूछा ही पूछा जाता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट जो है, अगर निबंध के लिए देखा जाए, ऐसा कोई टॉपिक आप चयन करते हैं, ऐसा कोई टॉपिक चयन करते हैं जिसके बारे में अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है तो उस रिसेंटली डेवलपमेंट को आप उसमें अगर डालते हैं निबंध में तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। और इसी तरीके से आपके साक्षात्कार में डेफिनेटली कई बार ऐसे पूछा जाता है कि पिछले साल की जो है 5 कोई प्रभावी न्यूज के बारे में आप बताइए। तो अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी सवाल नहीं गलत होगा, और इंटरव्यू में अगर इस तरीके से आप 1 से 2 सवालों का भी जवाब देते हैं तो आप अपने आप को आत्मविश्वास के रूप में वहां प्रस्तुत करने में सफल होंगे और आपका साक्षात्कार अच्छा होगा, जिससे आपके जो चयन और आपके रैंक निर्धारित करेंगे। तो ये चीजें आपके लिए जो है कितना समय होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये सारी चीजें इसमें जो है बनती हैं। अब जैसे हमने 4th पॉइंट में वीकली इफेक्टिव न्यूज कंपाइलेशन के बारे में बताया, तो अगर हम इसमें ये कहें कि अभी हाल की कोई घटना को लें तो एक ईश्रम पोर्टल बनाया गया है। ईश्रम पोर्टल अगर इसी को जो है आप जो है एक महत्वपूर्ण जो है घटना, यद्यप हर सप्ताह आपके लिए घटना बदलती रहेगी और 1-2 घटनाएं हैं, कई बार ऐसे हो सकता है कि किसी सप्ताह में 1 से ज्यादा महत्वपूर्ण घटना हो जाए, तो ऐसा नहीं कि केवल 1 ही करेंगे, उस सप्ताह हम 2 कर लेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है किसी सप्ताह 1 भी ना हो, तो एवरेज जो है वो 1 का ही आएगा। तो आप जो है जैसे मान लीजिए ईश्रम पोर्टल, तो बेसिकली ईश्रम पोर्टल जो है अभी यहां पर इसको इस रूप में जो है हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि यह क्या है जो है इससे संबंधित है, इसकी विशेषताएं, इसके महत्व। तो ये आपको जो है यहां पे 4 पॉइंट जो है प्रोवाइड कर रहा है। अब इसी के अगर अंतर्गत जो है आप इससे संबंधित जो है जो भी कंटेंट आपके पास है अगर उसको आप 1 पेज पे लिख लेते हैं, 1 पेज होगा या इसी तरीके से 70-80 शब्द होंगे, तो वो आसपास आपका जो है सारे उससे संबंधित जो है चीजों को उसमें सम्मिलित कर देगा। तो अब ये अगर अप्रोच आप अपनाते हैं तो ये मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण होगा, साक्षात्कार के भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, अगर निबंध में पूछा जाता है तो आप वहां पे भी इसे डाल पाएंगे। तो ये सप्ताह की घटनाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में ऐसा अप्रोच आपको डेवलप करना है। जैसे ईश्रम पोर्टल क्या है, बेसिकली
ई श्रम पोर्टल जो है वो असंगठित क्षेत्र के जो है कर्मचारियों का एक डेटाबेस है जो श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो है बनाया गया है। तो इसमें दो चीजें आ गई, एक तो ये हो गया कि यह जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो बनाया गया एक डेटाबेस है जिसमें जो है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवरण और सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। दूसरा संबंधित किससे है भाई, हमारे यहाँ श्रम, चूंकि यहाँ पे ई श्रम पोर्टल है तो श्रम दो प्रकार के होता है, ऑर्गेनाइज्ड जो है हो गया और दूसरा जो है अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में जो है ये चीजें जो है संबंधित हैं, असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में ये जो है बातें जो है कही गई हैं और उन्हीं से संबंधित ये पोर्टल है। ई श्रम पोर्टल, ई का मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गया, श्रम का मतलब जो हो गया लेबर, लेबर का मतलब लेबर में कौन सा लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड। जो पोर्टल जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे डेटाबेस के रूप में डेवलप किया गया है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ये संबंधित विशेषताएं इसकी क्या है कि इसमें जो है असंगठित क्षेत्र के जो भी मजदूर श्रमिक हैं उनसे संबंधित समस्त विवरण को अंकित किया जाएगा कि उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, वो वर्तमान समय में काम क्या कर रहे हैं और उनकी क्या क्या जो है विशेषताएं किस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं, समस्त सूचनाएं उनकी अंकित की जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य जिस तरीके से व्यक्ति का आधार कार्ड होता है उसमें सारी सूचनाएं होती हैं पहचान के लिए, उसी तरीके से जो है श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो है जो भी श्रमिक है उनको इस एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया जा रहा है। इससे उनको एक्सेस करना आसान होगा, उनके लिए काम तक पहुंच बनाना आसान होगा और इसमें ये भी व्यवस्थाएं हैं कि अगर एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें भी जो है वहां से उसको डेटा को जो है चेंज किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वहाँ तक जो है पहुँचने में लोगों की या विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की जो है लिए जो है आसानी होगी। और महत्व के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो इसका महत्व इस आधार पर है, देश की जो इकोनॉमी है उसमें अगर लेबर या श्रम की बात किया जाए तो अभी भी भारत में लगभग 92-93% एक बहुत बड़ा जो है आंकड़ा है, 92-93% तक का जो है श्रम जो है कहीं ना कहीं जो है असंगठित क्षेत्र के द्वारा जो है किया जा रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से ये पहल किया गया है कि ऐसा सेक्टर जो कि देश की लगभग इतने बड़े जो है आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है तो उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाना आवश्यक होगा ताकि उसके बारे में जो है हम एक विवरण बना सकें, उनके लिए उनको इंश्योरेंस के दायरे में ला सकें, उनके बारे में अगर कोई कल्याणकारी योजना चलाना है तो उन तक अपनी पहुँच को बनाना आसान कर सकें। तो डेफिनेटली इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस श्रम पोर्टल को अभी हाल फिलहाल में ही जो है लॉन्च किया गया है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन जो काम करेगा। ये असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, उनके डेटाबेस को अंकित करेगा और जो है देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इतने बड़े जो है वर्ग के लिए जो भी योजनाएं भविष्य में क्रियान्वित की जाएंगी उसके लिए इसको सरल बनाने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर के जो है ये करंट अफेयर्स पर एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच विकसित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतने समय में इसको बताया भले गया लेकिन ये अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही संक्षिप्त है, केवल आपको अपने पढ़ाई के इस स्कीम में, आप अपने पढ़ाई के शेड्यूल में थोड़ा सा समय इसको देना होगा, आपकी तैयारी एक सही तरीके से एक सही कॉन्फिडेंस के साथ सही जो है जानकारी के साथ आगे बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए जो है समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके आधार पर आप अपने जो है तैयारी को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कीजिए और चैनल पर अगर आप लोगों में से कोई भी नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कई लोगों के द्वारा ये भी बात कही गई है कि अभी ग्रुप में मैसेज आते थे लेकिन अब नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर टैप कर देते हैं तो डेफिनेटली सभी लेक्चर जो भी महत्वपूर्ण रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा जा रहे हैं आपको स्वयं नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चैनल को तो कम से कम आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इससे आपको सभी जानकारी सही समय पर मिलती रहेगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।